सो गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर वीडियो। और अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और आज हम लोग एक टूर के लिए जा रहे हैं। बहुत दिन बाद मैं घर से निकला हूँ और बहुत दिन बाद ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग जर्नी के लिए जा रहे हैं जो आपको बाद में पता चलेगा। और मेरे साथ है मेरा पार्टनर, ठीक है? मेरा पार्टनर सीट नंबर मुझे नहीं पता अभी तक। 16 भाई सत्ती। तो अभी हम लोग नहीं मुझे पता चला यार, मुझे सीट नंबर इसको वो किसने किया था। और अभी देखते हैं कि आगे सिचुएशन कैसा रहता है। तभी ट्रेन का आने का टाइम आ चुका है, पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस। सो लेट्स गो और देखते हैं जर्नी कैसा रहता है। अभी हम लोग सीट पे आ चुके हैं और इसका सीट पूरा खाली है। यहाँ पर देखिए मेरा सीट आगे है लेकिन मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। भाई बहुत गर्मी लग रहा है, ठीक है? हम लोग हावड़ा पहुँच के आप लोगों से बातचीत करते हैं। गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं हावड़ा मेट्रो एंड आज बस बंद है। और अभी हम लोग सब कुछ कोलकाता पूरा हावड़ा स्टेशन पूरा बंद है आज हावड़ा कोलकाता बिकॉज आज प्रोटेस्ट हो रहा है। और प्रोटेस्ट हो रहा है पता है शायद आप लोगों को। एंड अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, आई थिंक फर्स्ट सेकेंड फ्लोर हम लोग आ चुके हैं। सियालदा मेट्रो, सियालदा मेट्रो अखन प्लान किया मतलब खाबो মুভি দেখবো, মদ কিনবো, মদ বাদি সব হবে, ঠিক আছে? মদ কিনতেই হবে কারণ উড়িষ্যাতে সেম বোতলের দাম 500 টাকা বেশি, আমি কেন দেবো 500 টাকা? তো বাসে যদি চেকিং হলো? বাসে কোনোদিন চেকিং করে না, আর একটি বোতল এলাউড থাকে। 5 লিটার তোর একটি আমার একটি না একটি তুই তুই রাখবি তুই রাখবি আমি খাবো নাই আমি রাখতে পারি জেনা রাখবি এই পাবলিশ করিস না। এটা তো পাবলিক তো হবে কি ভাই, ঠিক আছে? আর তোর নাম তো ভালো করে হাইলাইট হবে। ওকে গাইস 15 মিনিট বাদ লোক মেট্রো আ যায়গা। সো গাইস আবি হম লোক মেট্রো পে আর ওয়েট কর রহে কি কব মেট্রো আ যায়। আর নেক্সট হম লোক কা প্ল্যান হ্যায় কি আবি হম লোক জায়েঙ্গে পেট পূজা করেঙ্গে এন্ড দেন আফটার মুভি কা প্ল্যান হ্যায়। দেখতে কি মুভি हम लोग देखते कि नहीं यार, देखते पक्का। हाँ मूवी देख ली, एनी हाउ प्लान है 3-2 देखने का। एंड भाई मेरे को तो भाई खाने से मतलब है, मेरे को खाना मिल जाता भाई मूवी वूवी नहीं देखना मेरे को। देखो इसको भाई, तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन और 5 रुपए की इस कॉइन ने हमें अंदर आने के लिए परमिशन दे दिया है। वेरी क्रिंज। तो गाइस अभी हम लोग मेट्रो से होते हुए चांदनी चौक पहुंच चुके हैं। भाई उठाओ जल्दी खबर खा भाई, विश्वास कर भाई। हाँ कैसे, बहुत ही ज़्यादा भूख लगा भाई। तो मूवी देखा नेशा थे भाई, जबरदस्त था इसमें। अभी हम लोग आ चुके हैं मूवी देखने। कहीं फंस गई होगी ना। सो गाइस अभी मूवी खत्म होने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं बाबू घाट एंड यहाँ से हम लोगों को मिलने वाला है हम लोगों का पूरी का बस जो कि 8:30 बजे आने वाला है। सो गाइस अभी हम लोग रास्ते पे हैं और हम लोगों का बस आ चुका है। बस 10-15 मिनट लेट था तो अभी हम लोग खाने के लिए जा रहे हैं। और ये रहा हम लोगों का एक नया फ्रेंड, हिज नेम इज मिस्टर जाना।
जो कि अभी हम लोग आगे मिलेंगे और हम लोग खाने के लिए कुछ खाना खाते हैं। पहले आने का साला बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्या खाए या 14-15 घंटा जाएंगे, क्या खाए भाई। अभी हम लोग बस में चढ़ चुके हैं और मेरे सामने मेरे दोस्त, ठीक है, उधर सोया वो बहुत उस जगह पे पूरा फिट हो गया, और इधर मैं और मेरा भाई, ठीक है, नया भाई अभी यहाँ पर सोए हुए हैं। और जगह आप देख लीजिए कितना छोटा है, लेकिन भाई परिवार तो गाइस आप देख सकते हैं ये है जगह, ठीक है, ये जगह पर दो लोग सोएंगे। और इसका टिकट का प्राइस है कितना, 733.33, आप लोग 750 पकड़ लीजिए, दिस इज प्रीटी गुड, ठीक है। यहाँ पर आप अकेले मत आइए, साथ में किसी को लाइए, तब जाके जाने में मजा आएगा। हाँ, और दोस्त को लाइए, किसी और परिवार दोस्त को लाइए। और कॉमर्स वालों के लिए प्राइस 733.33 है, आर्ट वालों के लिए 750 हो सकता है। प्राइस मिलते हैं आप लोगों को कुछ देर बाद। गुड मॉर्निंग, टुडे इज़ द डे टू, और अभी हम लोग अप्रॉक्सीमेटली पूरी के आसपास पहुंच चुका है, और यहां से हम लोग अभी बस चेंज होगा। और भाई पूरा रात का जर्नी बहुत ही ज़्यादा भाई भाई याद था, गाड़ी का भी इधर घूम रहा था भाई, मेरे को नींद बिल्कुल भी नहीं आया, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसका हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, इसको पूरा बुखार आ चुका है, और इसका हालत भाई इज नॉट गुड। अभी हम लोग यहाँ से बस चेंज करने वाले हैं, और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं बस कब आता है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम लोग किस जगह पे हैं। सो गाइस ये रहा हम लोगों का बस, ठीक है, और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। अब देख रहे वहाँ पर बुला रहे हैं हम लोगों को, ये वाला बस था हम लोगों का, अब देख रहे हैं डॉल्फिन यही बस था, और ये रहा मेरा दोस्त ऑरेंज। तभी हम लोगों का जो नेक्स्ट बस आ चुका है, भाई क्या बस है, मस्त वॉल्वो टू क्या सॉरी पूरी टू भुवनेश्वर। चलिए अभी जाते हैं। सो गाइस गुड मॉर्निंग, और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पूरी। यार बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, मतलब नींद नहीं आ रहा था, पूरा दिमाग घूम रहा। अभी हम लोग पूरी में उतर चुके हैं, और यहाँ से हम लोगों का ये ना एक दोस्त आ रहा है जिसके साथ अभी हम लोग रूम में जाएंगे, सो उसका वेट आने का वेट करते हैं। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पूरी बीच, देख सकते हैं कि यार बस से उतर के हम लोग टोटो पकड़ के यहाँ आ चुके हैं, और यहाँ हम लोग के फ्रेंड के एक जो भाई है वो अभी यहाँ पर लॉज बुक किया है, तभी हम लोग वेट कर रहे हैं। और अभी हम लोग चल रहे हैं क्या होटल, जो हम लोग के जो एक दोस्त है जेना उसका भाई ने बुक किया है, तो वो कौन सा होटल बुक किया अभी हम लोग वही फ़ोन करके उसको पूछ रहे हैं। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, देखिए कहां पर भाई, मैं लास्ट टाइम पूरी गया था, ठीक है, पूरी नहीं सॉरी, मैं लास्ट टाइम गया था दीघा, लेकिन भाई वहां का समुंदर भी इतना सही नहीं था, क्या मस्त व्यू है गाइस। सो गाइस इससे पहले यार मैं दीघा गया था, लेकिन भाई वहाँ पर इतना ज़्यादा वेव नहीं था, लेकिन भाई यहाँ का जो सीन है और यहाँ का जो वेव है कुछ ज़्यादा ही आज लग रहा है। और अभी हम लोग रूम में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे थोड़ा नहाने के लिए, मस्ती करने के लिए। और अभी जो अरिजीत है तो उसका जो भाई है वो फ़ोन कर रहा है, अभी हम लोग चलते हैं रूम में, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ा आएँगे यहाँ पर मस्ती करने। भाई मैं तो भाई बहुत ज़्यादा ही मज़ा करने वाला हूँ, क्योंकि यार जो दीघा गए थे उस समय मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, लेकिन ये वाला वीडियो मैं पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अपलोड भी करूँगा। गाइस अभी जो हम लोग बीच पे खड़े हैं ये है पूरी सी साइड बीच, और
पीछे बहुत सारा आपको पैलेस वगैरह, ठीक है, जो होटल वगैरह है, जो मेरे को सबसे अच्छा लग रहा है विक्टोरिया क्लब होटल, क्योंकि यार वहाँ पर अपना खुद का यार स्विमिंग पूल है और जगह बहुत बढ़िया है। एंड कभी कभी यार ना आपको जो आपका बिजी शेड्यूल है उससे निकल के थोड़ा बाहर आ जाना चाहिए, ठीक है। सो उन नेचर को देखना चाहिए। वहाँ पर कुछ कुछ बच्चे हैं जो कि खेल रहे हैं, एंड भाई मुझे बहुत देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइस अभी हम लोग रूम पे आ चुके हैं और ये रूम मतलब जहाँ पर हम लोग थे सी बीच से बहुत ज़्यादा दूर है, और तो यार मैंने रिकॉर्ड किया नहीं, ठीक है। और अभी कुछ देर बाद हम लोग जब बाहर जाएंगे तब आप लोगों को दिखाएंगे ये जगह कितना खूबसूरत है, ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा देख रहा, आपको वो दिख रहा हाथी आपको, और ये रहा जगह जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। सो गाइस अभी मैं नहा कर फ्रेश हो चुका हूँ और हम लोग का खाना भी आ चुका है, और मेरा एक दोस्त गया है फ्रेश होने के लिए। ठीक है सर, उधर हाँ बोल लो, उधर का ओ भूमि कर लो, भूमि करो बोल जब ना, सॉरी ठीक लग जाए चान करते गलो भूमि कर लो, हाँ वो चाहन ठीक लग जाए, ठीक है भला पता भाई। तो अभी हम लोग को खाना आ चुका है इडली दोनों के लिए। गाइस गुड इवनिंग, और पूरा दोपहर मैंने जम के सोया और मेरे दोस्त ने भी सोया, और अभी शाम हो चुका है और अभी मैं और मेरा दोस्त जा रहे हैं थोड़ा बीच को घूमने और कुछ ज़रूरत का सामान लाने के लिए। आज हम लोग थोड़ा रेस्ट किए, कल पूजा देने जाना है, इसीलिए अभी जितना भी चीज़ बाकी है बीच घूमना और साइट सीइंग वगैरह करना अभी आज हम लोग कर लेंगे, कल पूजा देख हम लोग थोड़ा बाहर घूमेंगे। सो आज का काम हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, तो चलिए जल्दी से बाहर जाते हैं, बारिश भी हो रहा है और मेरी मम्मी ने कहा था, और इसीलिए मैंने छाता भी लाया है, ठीक है, सेम कलर का। तो चलिए जल्दी बाहर जाते हैं। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं पूरा भीगते सी बीच की तरफ, और मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों को समुंदर दिखाने वाला हूँ, ठीक है, कि जब बारिश होता है समुंदर कैसा दिखता है। चलो सस्ता नाम, चलो। सो गाइस अभी हम लोग बीच आ चुके हैं और फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि जब बारिश होता है तब हम लोगों का समुंदर बे ऑफ बंगाल कैसा दिखता है। वाओ सो गाइस आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा रास्ता है आज पूरा खाली है, क्योंकि आज बारिश ने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया है, और अभी हम दोनों ही सिर्फ बाहर घूम रहे। हम लोगों का कुछ कहीं चाय मिले तो हम लोग चाय वगैरह पियेंगे, और कुछ खाना हो सके तो, क्योंकि यार सुबह से ना ही प्रॉपर खाना मिला है यहाँ पर और ना ही कुछ अच्छा पकवान मिला है हम लोगों को। तो अभी हम लोग आगे जा रहे हैं और देखते हैं कि आगे हम लोगों को कुछ नया क्या मिलता है। सो गाइस बहुत ढूंढने के बाद हम लोगों को मिल चुका है मोमो, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर मोमो है। सो अभी वहाँ पर चलते हैं और कुछ खाते हैं। भाई भाई तेरा तबीयत कैसा है बोल? अभी तो ठीक है, पर ये जैसा भिगा रहा है मुझे लगता है फिर गिर जाऊँगा। भाई एक ही छाता है, एडजस्ट कर ले, ठीक है। मेरी मौत पे एडजस्ट कर रहा तुम? नहीं भाई सब कुछ सही है, हो जाएगा, कभी कभी होता है, कभी कभी मर जाते हैं लोग। हाँ मर जाते कभी कभी, तू भी कभी कभी मर जा। चलो भाई अभी आ चुका है हम लोगों का मोमो का दुकान, तो चलिए अभी कुछ खाते हैं। हाय रास्ता रे, हाथ धोने का पानी है। तो गाइस अभी जो यहाँ का सीन है बहुत ही मस्त है, ठीक है, यहाँ थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है और अभी हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, और एक्चुअली गाइस बहुत मज़ा आ रहा है, और आप कभी भी आओ ना यार इस जगह को एक्सप्लोर करो। और सुबह से कुछ खाए नहीं है और अभी हम लोग मोमो खाने वाले हैं, उसके बाद जो होता है रात के लिए कुछ हेल्दी वगैरह ले लेंगे, क्योंकि कल पूजा करना है, नॉनवेज वगैरह नहीं खाता मैं और इसको भी खाने नहीं दूंगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मोमो कैसा टेस्ट करता है यहाँ का। अभी मेरे पास इसको आ चुका है, इसको टेस्ट कर। सो गाइस इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि भाई डिफरेंट डिफरेंट जगह का डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होता है, लेकिन इसका जो शेप है शेप मस्त है, लेकिन इसका अंदर का जो स्टफिंग है ना यार इतना ज़्यादा गर्म है क्या ही बोले।
थम्पा की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। मुझे लगा था यार इतना सही नहीं होगा, लेकिन क्वालिटी वाइज भाई अच्छा है। यहाँ 50 रुपये में आपको 8 पीस मिल रहा ठीक है। आपको यहाँ पर कॉर्न मिलेगा और यहाँ पर एक आपको टोमेटो सॉस देते हैं और मेयोनीज, जो कि यार मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं। मेरा हाथ में आ चुका है, इतना खतरनाक तीखा है भाई, मैं लिटरली बता नहीं सकता। देखो मेरे आँख देख के आपको पता लग रहा है कितना झाल है भाई। मुझे कुछ मीठा खाना पड़ेगा। बोल मोमो टेस्ट क्या मुझे बोल भाई। ये सिस्टम मतलब सिस्टम हिल गया, चल नहीं पा रहे ठीक से। क्या था ये? अच्छा था भाई, एक बात है कॉर्न था इसमें भाई, हेवी टेस्टी चिलो भाई, टेस्ट बहुत अच्छा। स्टफिंग भालो चिलो, इतना अच्छा किंतु भाई मोमो में नहीं, तहलका मोमो चिलो तहलका। अच्छा आइसक्रीम खाबी, ये मुझे मारने की प्लानिंग भाई, हमी खाओ एकटा भाई, एकटा आइसक्रीम दीजिए। तो गाइस अभी आइसक्रीम पीने के बाद मेरे को थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा भाई। मैं इसीलिए भाई तीखा चीज़ नहीं खाता क्योंकि यार मेरा हालत ख़राब हो जाता के अंदर। आहत भाई हाँ ठीक है, मोमो यहाँ का अच्छा नहीं है, तुम कभी खिलाना ठीक है, अगर तुम देख रहे हो खिलाना भाई। भाई माछ खाबी हाँ कितने बार बोल। ओ हाँ कल के तमादर ये तो पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा जो फिश वगैरह है, वैरायटीज ऑफ फिश वहाँ पर वो बन रहा है और लोग मजे से खा रहे। कांकड़ा वगैरह है, नॉन वेज यार भेज हूँ, सॉरी मैं भेज हूँ, मैं क्यों खाऊँगा। कैसा भेज है, भूल ही जाता है कि भेज है। नहीं भाई मैं वेजिटेरियन हूँ। चलो समुंदर की तरफ जाते हैं, दे रहा मछली खाएगा। चलो समुंदर की तरफ जाते, इसके बाद में ध्यान मत जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। गाइस अभी हम लोग यहाँ पर बीच को थोड़ा एक्सप्लोर कर लिए हैं और चलिए आगे जाते हैं, और आगे बहुत सारा चीज़ एक्सप्लोर करना है। तो गाइस जैसे ही अभी बारिश ख़त्म हो चुका है और मतलब लोग चींटी की तरह कहीं से भी निकल रहे हैं, मतलब बारिश लोग वेट कर रहे थे कि कब बारिश ख़त्म हो जाए। भाई भीड़ को तो बोल बहुत, मतलब अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना भीड़ है। सो गाइस अभी हम लोग फाइनली शॉपिंग करके आ चुका है अपना होटल में, की ज़रूरत की चीज़ें खरीद। शॉपिंग कल क्यों तोड़ रहा है, तो अभी हम लोग जितना भी शॉपिंग कर लिया, शॉपिंग मतलब ज़रूरत का सामान अब ठीक है। हाँ मेन शॉपिंग कल होगी ठीक है, अभी हम लोग जितना भी सामान ज़रूरत था वो लेके आ चुके हैं एंड अभी जाके यार रूम पे खाना खाएंगे। बहुत पैदल चले यार आज, बहुत ज़्यादा ही पैदल चले। 10 किलोमीटर हाँ भाई 10 किलोमीटर हो गया होगा, मज़ा आ गया चल के। सो गाइस सुबह सुबह हम लोग निकल जाते हैं जगन्नाथ मंदिर पूजा देने के लिए। सो गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह हम लोग नहा के आ चुके हैं मंदिर जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर पूजा देने और कुछ देर बाद हम लोग लाइन पे लगेंगे, प्रोसीजर से अंदर जाएंगे और शायद हम लोगों का कैमरा वगैरह हम लोग यही जमा कर देंगे ठीक है। और चलिए
भाई मतलब फर्स्ट टाइम मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ, इस चीज़ को देख के यार कुछ पॉजिटिव एनर्जी फील हो रहा है, जो शायद आप यहाँ आएंगे तब आपको पता चलेगा। एक्चुअली यार मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। तो अभी उस साइड से लाइन है, ठीक है, उस साइड से अभी हम लोग लाइन से लगेंगे, फिर अंदर जाएंगे। और ये नज़ारा यार कुछ ऑस्पिशियस है। इस चीज़ को भाई, इस चीज़ को देखो यार, हम लोग शायद अगर शाम के टाइम में रहेंगे तो जो ध्वजा निकालते हैं उसको भी देख लेंगे। लेकिन अभी चलिए, जब हम लोग जो जितना भी मेरा मतलब मेरे दोस्तों का जितना भी तुम लोगों को पर्स वगैरह है, फ़ोन वगैरह है, सब जमा करना पड़ेगा। और अपना मन को प्योर करके एकदम अच्छे मन से जल्दी पूजा देके आते हैं, ठीक है। सुबह से मैं कुछ खाया नहीं यार, भूख बहुत ज़्यादा लगा। सो चलिए जल्दी पूजा कंप्लीट करें। चार धाम में से एक धाम जो कि पुरी में है, ठीक है, वो हम लोग वहाँ आ चुके हैं और अभी हम लोग कुछ देर बाद पूजा देने वाले हैं। और भाई आज का दिन कैसा है? मस्त एकदम, फुल अच्छा वेदर। हम लोग आ चुके हैं श्री जगन्नाथ मंदिर। और मंदिर आप लोग जब तक देखेंगे नहीं ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा ये इस मंदिर पर समथिंग कुछ डिफरेंट है जो आपको अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। और इस मंदिर को लेकर बहुत सारी कहानियां हैं जो और ये ब्लॉगिंग चैनल है जो आप यूट्यूब में देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये ब्लॉगिंग चैनल है तो अभी हम लोग इसके हिस्ट्री के बारे में नहीं बोलेंगे क्योंकि हम लोग हिस्टोरिकल चैनल नहीं है ना, हम लोग ब्लॉगिंग चैनल है। और कल ये दारू पी के पूरा एकदम इसका तबीयत सही हो गया एकदम फर्स्ट क्लास। और अभी बस पूजा का हम लोगों का मेन इंटेंशन है। गाइस अभी हम लोगों का पूजा हो चुका है और अभी हम लोग जो मंदिर का आसपास है वो सब अभी घूम रहे हैं। एंड दिस इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल कि ये जगह बहुत मतलब जैसा मैंने यूट्यूब में पहले यहाँ आने से पहले देखा था एग्जैक्टली वैसा ही है। एंड ये जो जगह है ये थोड़ा बहुत ओपन एरिया है, यहाँ पर आप घूम सकते हो। सो गाइस अभी पूजा वगैरह सब हो चुका है और अभी हम लोग बीच से भी आ चुके हैं। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने क्योंकि यार दो तीन दिन से हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है। एंड अच्छा होटल में जाते हैं और ठूस कर खाते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं रेस्टोरेंट और अभी हम लोग ऑर्डर कर दिए यहाँ पर। विदेश वॉर है, विदेश वॉर हम लोग वहाँ पर है। सो गाइज अभी खाना खा के हम लोग निकल चुके हैं आसपास के मंदिर देखने और गूगल मैप एकदम घटिया मैप दिखा रहा है, कहीं से भी दीवार कूद के जो दीवार कूद के हम लोग को रास्ता दिखा रहा है। एंड अभी हम लोग एक अच्छा सा मंदिर के पास आए हैं, चलिए अंदर जाते हैं। आदि शंकर अभी मंदिर के सामने हम लोग एक स्टेप वेल दिखा तो देखिए इसका पानी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उड़ीसा में फर्स्ट टाइम हम लोग स्टेप वेल देख रहे हैं। ये बहुत पुराना मंदिर होगा कि ताकि यार पूजा करते समय यहाँ से पानी लेके पूजा करते होंगे। वो क्या होगा आप देख लीजिए यूट्यूब पे, बाकी चैनलों पे, हाँ ब्लॉग चैनल है, ये ब्लॉग चैनल है। हम लोग बस ऐसे रैंडम जगह पे घूम रहे और वहाँ का चीज़ आप लोगों को दिखा रहे। अभी तो हम लोगों का खुद सर्च कीजिए, कुछ कीजिए। अभी तो हम लोगों का मतलब जो टूर है वो कुछ कम दिनों के लिए है, ठीक है, बजट टूर है। अभी बजट कम है ना, स्टूडेंट है, जब कमाने लगेंगे भाई उस दिन एक लॉन्ग टूर करेंगे, 3-4 साल यहीं रहेंगे, सब चीज़ दिखाते रहेंगे। 3-4 साल उड़ीसा में रहने का कोई भाई उड़िया के लिए कुछ बोलना है, उड़िया लोगों के लिए बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। জলটা আছে না, জলটা তো ফেলাই দিব। হ্যাঁ নাম কি তোমার, কি করব ভিজে যাবে, তোমার নাম কি ভাই, চলে গেল गाइस। अभी पूजा वगैरह करने के बाद, खाना खाने के बाद अभी हम लोग थोड़ा बाहर आए थे
कल हम लोग बाहर घूमने जाएंगे, इसीलिए मैंने तो हम दोनों ने जो बस बुकिंग है बुकिंग करवा ली है और अभी बीच की तरफ आए हैं थोड़ा हवा का मज़ा लेने। हम लोग रूम पे आए हैं और अभी यार यहाँ पर नेटवर्क काम ही नहीं कर रहा, तभी हम लोगों ने प्लान किया कि थोड़ा मूवी वगैरह देख लेते हैं और रात को हम लोग बाहर जाएंगे और एक ठो वहाँ पर थोड़ा और शॉपिंग करना है घर के लिए, क्या क्या सामान हम लोग घर के लिए ले जाएंगे तभी शॉपिंग करना थोड़ा बाकी रह गया है। और पूजा का सामान भी आ चुका है, हम लोगों ने यहाँ पर एक जो पुरोहित है पांडा बोलते उनको, तो उनको थोड़ा पैसे वगैरह दे दिए थे और उन्होंने पूजा करके ला दिया, सारा सामान आ चुका है। और हम लोगों का मैक्सिमम यहाँ पर 30-40% काम हो चुका है, कल घूमेंगे और 20-30% यहाँ कवर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे भुवनेश्वर, वहाँ पर हम लोग कटक घूम सकते हैं, कटक जाएंगे और देखते हैं वहाँ का क्या क्या सीन होता है, वहाँ पर क्या घूमने के लिए सही होता। तो बाकी मिलते हैं आप लोग कुछ देर बाद। तो गाइस अभी हम लोग फुल टू शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है। और ये तो भाई घर के लिए पूरा मतलब सजने संवरने का सारा चीज़ ले लिया, मतलब मम्मी के लिए, दादी के लिए, भाभी के लिए, सबके लिए भाई सजने संवरने का सामान लिया। हम लोग कुर्ता लेने जा रहे हैं, कौन जगह तक लेकर चले गाइस। नेक्स्ट डे हम लोग निकल जाते हैं भुवनेश्वर के अंदर, जितना भी अच्छा जगह है जहाँ पर हम लोग साइट सीइंग कर सकते हैं उस जगह को देखने के लिए। सो गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह अभी हम लोग आ चुके हैं चंदरबोड़ा बीच और सुबह हम लोग जो कल रात को हम लोग टिकट बनाए थे और जो गाइड थे अभी हम लोग को पहुँचा दिए है हम लोगों का फर्स्ट डेस्टिनेशन पर, ये है चंदरबोड़ा बीच। यहाँ का भाई वेव जो मतलब है ना यार, मतलब जो नॉर्मल वेव्स है उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा वेव है, तो यहाँ पर थोड़ा संभाल कर रहना पड़ेगा। चलिए मैं आप लोगों को वेव दिखा रहा हूँ। मज़ेदार नेक्स्ट स्पॉट आई थिंक कोणार्क टेम्पल है, तो चलिए बस की तरफ जाते हैं क्योंकि यार आगे बहुत सारा सफ़र तय करना है। ठीक है, हम लोगों का आँख देखिए रात को सो नहीं पाए इसीलिए आँख थोड़ा छोटा छोटा हो गया। गाइड दिया जाएगा आपको ग्रुप के साथ, ये रवि जी आपको गाइड करेंगे मंदिर के बारे में, मंदिर का कारीगरी, उसका कलाकारी सब कुछ बताएंगे, उसका इतिहास भी बताएंगे। मैं जितना समय गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं कोणार्क टेम्पल एंड दिस इज रियली मैग्निफिसेंट। चलिए अंदर जाते हैं। तो गाइज ये जो आप टेम्पल देख रहे हैं ना, ये 13th सेंचुरी में बनाया गया था और ये पूरी से अप्रोक्सीमेटली आपको 30 किलोमीटर के आसपास पड़ जाएगा, तो अगर आप पूरी आ रहे हो ना इस जगह को ज़रूर विजिट कीजिए। डेढ़ घंटा तो 6, 7.5, 9, 10:30, 12
1:30 4:30 या 6 हम लोगों ने घंटा पे मिन्नेट यूज करती है। वो जमाने से मिन्नेट नहीं थे पॉल। तो गाइस अभी लंच करने के बाद हम लोग आ चुके हैं, सॉरी लंच नहीं ब्रेकफास्ट हुआ था, उसके बाद हम लोग सो गए थे। ब्रंच ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग सीधा आ चुके हैं अभी लिंगराज महाराज की मंदिर। और बाहर से भाई देख के थोड़ा सुंदर लग रहा है, लेकिन अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो इसीलिए हम लोग कैमरे को अंदर रख देंगे। तो जितना हो सके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। দেখবি না সব জায়গায় ফ্রেমওয়ার্ক বা সার্ট ফ্রেম তো বলছে গা ফ্রেম যেমন আমাদের যত দক্ষিণেশ্বর বল হ্যাঁ ইয়া বল সমুদ্র যেমন ইয়া দেখা যায় সাউথের মন্দির তো লোকে বলে ওইগুলো রথ নেই, ওইগুলো নাকি রথ ছিল বিমান। সো গাইস আবি হাম লোগ আ চুকে হ্যায় খন্ডগিরি মে আর ইয়ার আজ বহুত জাদা ধূপ হ্যায় পর ইয়াহ পর ভাই बंदर को खाना खिला रहे। अगर आप चाहते हैं तो कुछ खरीद के बंदर को भी खिला सकते हो यहाँ पर। सो गाइस अभी हम लोग खंडोगिरी से होते हैं उदयगिरी आ चुके हैं, और ये पहाड़ भाई बहुत ही ज़्यादा स्टीफ है। सबको दिखा रहा हूँ, इसको कट दिस, इसको चढ़ने में ना आपको फट जाएगा, इतना बड़ा पहाड़। सो गाइस लाइफ में कभी कभी आपको छुट्टी लेके कभी ऐसे जगह पे विज़िट करना चाहिए। इससे पता क्या होता है, आपको कुछ ऐसा चीज़ सीखने को मिलता है जो शायद बुक्स किताब वीडियो नॉलेज आप कहीं से सीख नहीं सकते। ये आपका खुद का एक्चुअल जो एक्सपीरियंस होता है ना, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये पहाड़ भाई बहुत ज़्यादा स्टीफ है भाई, चढ़ते चढ़ते मैं टॉप तक नहीं पहुँचा लेकिन ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ से भाई आपको जो पूरा जो लोकल का जो नज़ारा दिखेगा ना, दैट विल ब्लो योर माइंड यार, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। इसीलिए आप अगर आ रहे हो ऊपर चढ़ना, मैं तो भाई चलने जा रहा हूँ। सो गाइस अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, एंड दैट वॉज अ प्लीजेंट एक्सपीरियंस। मैं बहुत दिन बाद निकल रहा हूँ एंड आई रियली फील यार, ये जो सफ़र है इस सफ़र में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि यार मैं थोड़ा जो पहाड़ होता है ना उस पर एक्सप्लोर करूँ यार, इसको देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। एंड लग रहा है यार यहाँ पर कोई था पहले, क्यूब्स वगैरह, अच्छा लग रहा है यार। मतलब आप 3-4 साल रगड़ के पढ़ो ठीक है, जॉब लो, उसके बाद 3-4 साल बहुत ज़्यादा हो गया यार, 1-2 साल में सही से पढ़ने से हो जाएगा, और उसके बाद हाई प्लेसमेंट लो और उसके बाद पूरा घूमो और अपने आप को खुश करते रहो। बेसिकली आप खुद खुश हो ना, अब किसी की ज़रूरत ही नहीं है, दैट विल मेक यू हैप्पी यार, आप खुद ही इनफ हो।
सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं सबसे लास्ट और सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग हम लोगों का जो टूरिस्ट स्पॉट है नंदनकानन नेशनल पार्क में। और अभी हम लोग अंदर जाएंगे, हम लोगों का अपना जो टोकन है मिल चुका है टूरिस्ट गाइड से, जो कि हम लोगों ने पहले ही पे कर दिया था। तो अभी कुछ देर बाद हम लोग अंदर जाएंगे। आप पीछे देख सकते हैं, मेरे पीछे एक है यहाँ भालू, एक है उस साइड एक तो भालू, ठीक है। सो गया हुआ, अरे फ्रॉड वाला चीज है यार, आएगा तभी तो भाग गया हो यार। बढ़ते चलिए बढ़ते चलिए। अरे हम लोग तो सुबह देखो गोल्डन। तो भाई अभी दोपहर के टाइम ना जितना भी एनिमल्स है सबको सो रहा है, रेस्ट कर रहा है, मतलब एनिमल्स हम लोग सामने देख ही नहीं सकते। तो कल सुबह हम लोग और एक बार आएंगे, ठीक है, इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। बिल्ला हाय बिड़ल यार क्या कर दिया यार। अभी हम लोग कैब पे है और अभी हम लोग अभी मतलब घर जाने के लिए कैब कर लिया है और कुछ देर बाद हम लोग स्टेशन पहुंच जाएंगे। चुप चलिए स्टेशन पर। अभी हम लोग स्टेशन आ चुके हैं और हम लोग अपना जो सीट है सीट पे आ चुके हैं और अभी ट्रेन 10-15 मिनट बाद छोड़ देगा। हम लोग जितना भी खाने का सामान है सब कुछ ले लिए हैं और चलिए देखते हैं कि सफ़र कैसा रहता। होप सब बढ़िया रहे। जय जगन्नाथ गाइस। इसको भाई मिडिल में दिया है जो इसके लिए है, मेरा भाई के लिए भाई सही नहीं है। तो ये अभी भाई के लिए सही नहीं, इसको भी लास्ट में दिया है भाई। ये देखो भाई जो हमारी सिक्योरिटी के लिए सही नहीं, गेट के सामने कौन देता भाई। अभी भाई बिहार झारखंड से जाएंगे भाई, पता है यार तुमको कैसा जगह है। तो भाई मिडिल में होता तो बढ़िया रहता। चलो यार अभी मैनेज तो करना ही पड़ेगा। तभी देखिए टीटी आता है, उसके बाद हम लोग बात करके मिडिल में जाने की कोशिश करेंगे। भाई कुछ बोल भी पकड़ा के 200 रुपये पकड़ा देंगे, बिटिन चुद अपनी सीट दे देगा वो। पैसा से सब कुछ होता है गाइस, बस पैसा चाहिए। सुबह हो चुका है और अभी हम लोग आ चुके हैं रांची स्टेशन। कुछ देर बाद हम लोग उतरने वाले हैं और यार रात को एकदम ही नींद नहीं आया, तो इतना हिल रहा था ट्रेन और इतना घटिया जगह से हम लोग निकले हैं क्या ही बता। लोग
धनबाद पहुंचने वाले हैं, लेकिन यार ट्रेन इतना घटिया है, अभी स्टेशन से थोड़ा आगे ही रोक दिए, क्योंकि अगर ये टाइम पे पहुंचा था तो अभी हम लोग आसनसोल का ट्रेन पकड़ सकते थे, लेकिन ये अभी इतना लेट किया कि हम लोगों को ट्रेन शाम तक मिलेगा। अगर ये 11 बजे तक पहुंचा देता तभी 11:30 को हम लोग एक ट्रेन है जो हम लोग पकड़ सकते थे, लेकिन क्या ही करें, झेलना पड़ेगा। अभी हम लोग धनबाद आ चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड, ठीक है। और यहाँ पर एक अच्छा अंकल जी मिल गया जो अभी हम लोगों को सही से पहुँचा देंगे, बस स्टैंड पहुँचा देंगे, वहाँ खाना वाना खाएंगे, अच्छा होटल भी दिखा देंगे, अच्छा होटल में खाना खा के और मस्त हम लोग अभी आसनसोल बस के लिए चढ़ जाएंगे। फाइनली अभी हम लोग आसनसोल पहुँच चुके हैं और यार यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड फाइनली अभी हम लोग घर जाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ही थक गए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये जो वीडियो है आपके दोस्त जितना भी कली के जो ब्लॉग्स वगैरह देखते हैं जो अच्छा जगह घूमना पसंद करते हैं उन लोगों के साथ शेयर करो, और कुछ दिन बाद और एक नया व्लॉग आने वाला है, और सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे, जल्दी सब्सक्राइब करो, मेरे को 500 सब्सक्राइबर चाहिए बहुत जल्दी।